आसमन आयुर्वेद समाधान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते हमें पता है कि बहुत से लोग अपने ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती हैं, धात है या शिखर पतन है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पुरुष रोग होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों से ही लाभ मिलता है, एलोपैथी में इतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो अब लोग लॉकडाउन में निकल भी नहीं पा रहे हैं और हकीमों की इतनी दुकानें भी नहीं खुल रही हैं, क्लिनिक नहीं खुल पा रहे हैं और ऑनलाइन भी दवाइयां मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, असमर्थ हैं लोग, नहीं ले पा रहे हैं। तो जिन लोगों को धात की शिकायत है वो लोग क्या करें, घर में अपना कोई उपाय, क्या उपाय करना है, कैसे ठीक हो सकते हैं? अगर वक्त पर दवाई नहीं लेंगे तो छोटी से प्रॉब्लम से बड़ी हो जाती है, धात से ही धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो उन तमाम लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छा नुस्खा लेके आया हूँ, जो कि घर बैठे ही आसानी से वो चीज़ें मिल भी जाएंगी और उनका प्रयोग कर करके सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे वीडियो हम कैसे करके नुस्खा बता रहे हैं, कैसे इस्तेमाल करना है। और बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे SMS करके या कॉल करके भी मालूम कर सकते हैं। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक। अस्सलामुअलैकुम बरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूँ रिजवान हुसैन, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसमन आयुर्वेद समाधान, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो मिलती रहें। क्योंकि मैं आपके स्वास्थ्य के कारण जंगलों में जाके मेहनत करता हूँ और अच्छी वीडियो बनाता हूँ, जो कि 100% इफ़ेक्टिव होती हैं, कोई फेक नहीं होता। मैं आपके सेवा में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सरल और बहुत ही घरेलू नुस्खा पेश कर रहा हूँ, जिसका प्रयोग कर करके एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, अक्सर धातु रोग की समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं, इसलिए मैं टोटल वीडियो अब धातु रोग पे ही क्रिएट कर रहा हूँ, और एक बहुत ही कारगर नुस्खा जिससे आप देखते ही देखते बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे। नुस्खा उन लोगों के लिए जो धातु रोग से ग्रस्त हैं, जिनकी धात बहुत ही ज़्यादा पेशाब के माध्यम से या फ़ोन पर बात करने के माध्यम से या अश्लील पिक्चरें देखने के माध्यम से निकलती है, जिससे युवा युवा नहीं रहते, ऐसे लगते हैं ऐसे बूढ़े व्यक्ति हो रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही पावरफुल, सुपर और बहुत ही इफ़ेक्टिव 100% कार्य करने वाला नुस्खा सेवा में हाजिर है। दोस्तों, एक वृक्ष है जिसका नाम है शीशम, आप भली भांति इससे व्यक्तिगत होंगे, जानते होंगे शीशम के वृक्ष को। दोस्तों, शीशम के पत्ते कुछ गोल गोल और हल्के से नुकीले होते हैं, अक्सर ये हिंदुस्तान के क्षेत्रों में हर जगह पेड़ देखने को आसानी से मिल भी जाता है। इसकी तासीर या पोटेंसी की बात की जाए तो ये शीतल होता है, वीर में शीत होता है, जिसके कारण से जो हमारे मैदे पे गर्मी या खुश्की होती है उसको भी ठीक करता है। इसका दोस्तों प्रयोग कैसे करना है तो इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, इसकी कम से कम 5 से 6 पत्तियाँ रोज़ाना सुबह शाम अगर आप इस्तेमाल करते हैं या केवल सुबह सुबह इस्तेमाल करते हैं, इसको चबा करके इसके साथ में 2 काली मिर्चें खाना अनिवार्य है, क्योंकि ये अति शीतल होता है, हो सकता है कि आप इम्पोटेंट हो जाएं ज़्यादा इस्तेमाल करने से, तो आपसे गुजारिश है 15 दिन इसका इस्तेमाल कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपको फ़ायदा कम से कम 2 से 3 दिन में ही कर देगा, ज़्यादा दिन खाने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी आप खाएं तो इसके साथ में 2 काली मिर्च कम से कम इसके साथ में चबा करके ज़रूर खाएं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धातु रोग से घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, धातु रोग कोई भय नहीं, कोई हुआ नहीं है। यदि आप इसको समय पे इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसको ध्यान में नहीं लाएंगे, तो हो सकता है व्याधियाँ बढ़ जाएँ, आप नपू सकता है कि शिकारी हो जाएँ, इसलिए आप इसमें शुरू में ही ट्रीटमेंट कर लीजिए, अपने मन से भय निकाल दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितनी भी जड़ी बूटियाँ मैं आपको वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत ही सुपर, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं, जो 100% वर्क करती हैं, और किसी नीम हकीम के चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आपसे गुजारिश है,
आप हमारी वीडियो को पूरा देख करके समझ करके, यदि समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, एक अगली नई वीडियो में फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।